हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, हेल्दी हैप्पी एंड फिट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक ठाक हैं, बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज का जो है व्लॉग स्टार्ट हुआ है मॉर्निंग से। आज था मैंने नाश्ते में बनाया था हलवा बनाया था, सूजी का हलवा, जो अभी मैं बना ही रही हूँ। और बस सिंपल तरीके से बनाया था, ज़्यादा कुछ था नहीं, बस शुगर डाली थी और जो थी इलायची वगैरह डाल के, जैसे सिंपल जैसे बनता है सूजी का हलवा वैसे बनाया था। मेरा बहुत टाइम से दिल चाह रहा था कि ना पूरी हो, हलवा हो और छोले हो। मुझे अपने ना ज़रा पाकिस्तान का खाना, देसी नाश्ता जो है बड़ा याद आ रहा था बहुत टाइम से। तो मैंने ना रात में जो थे वो बनाए थे, छोले बनाए थे, छोले बनाए थे, चिकन छोले बनाए थे मैंने। बट मैंने ब्लैक, मेरे पास चने थे तो मैंने ब्लैक चने का बनाए थे, और तो बस वो बनाया था। फिर मैंने सोचा यार सुबह जो है देसी नाश्ता करते, तो सुबह उठ के बस मैंने ये ना सूजी का हलवा बनाया और छोले थे, साथ में मैंने कुछ पराठे बना लिए थे। पूरियाँ तो नहीं बनाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता और बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है यहाँ पर जो है। अब ह्यूमिडिटी बहुत हो रही है और गर्मी भी बहुत हो रही है, तो इतना दिल नहीं चाह रहा था कि कितना कुछ ऑयली ऑयली खाएँ और हैवी हो जाए। तो इतना वैसे खाना भी नहीं चाहिए ऑयल से, तो थोड़ा वैसे ही परहेज़ करना ही चाहिए। तो खैर जी, बस है ना ये नाश्ता मेरा रेडी हो गया था और ना हमने जो है बड़े मज़े से खाया, एंजॉय किया। और कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं पाकिस्तान की बहुत मिस करती हूँ, पाकिस्तान के खाने बहुत मिस करती हूँ, तो वो मैं फिर यहाँ पे ख़ुद बनाती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह सभी चीज़ें आ गई बनाना, क्योंकि मैं समझे मैं फूडी हूँ, मैं मुझे पसंद है खाना ना। और मेरे हस्बैंड को भी है ना खाना, ये भी फूडी है, इनको भी खाना पसंद है। तो देसी हो जैसे भी हो, खाने पीने का बड़े शौकीन है। तो मैं जो है हर चीज़ बनाती हूँ कि कोई क्रेविंग मेरी रह ना जाए। जो भी मुझे किसी चीज़ का दिल चाहता है, कोई भी किसी चीज़ की क्रेविंग होती है, तो मैं ज़रूर है ना अपने घर में हर चीज़ बना ही लेती हूँ। ऑलमोस्ट हर चीज़ मैं बना ही चुकी हूँ तकरीबन। और मैं शादी से पहले कुछ भी नहीं करती थी, ये सब कुछ मैंने शादी के बाद ही करना शुरू किया है। खैर जी, बस है ना नाश्ते से फ्री होके हम लोग चले गए थे ओसिस मॉल, सॉरी ओसिस मॉल नहीं गए थे, हम लोग गए थे ओमान गिफ्ट सेंटर गए थे। वहाँ पर जो था मेरा, आज मैंने यहाँ पर फर्स्ट टाइम विज़िट किया था, और यहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम पर देखा था कि ये न्यू खुला है और बहुत अच्छी वैरायटी है। तो मैंने सोचा था चलें यहाँ पे जो है जाते हैं और यहाँ का विज़िट करते हैं कि कैसा है कैसा नहीं है। तो अच्छा लगा था माशाल्लाह। और आप लोग जो है मेरे व्लॉग में बने रहेगा और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओसिस मॉल, अच्छा ओसिस की एंट्री यहाँ से भी एक मॉल फ्रंट से भी है ना। प्लास्टिक यार, ये पता है ये सैलेड वगैरह भी रखो इस पे, देखो आजकल ये ज्वेलरी रखने के लिए भी यूज हो रही है। और देखो इस पे सैलेड वगैरह रखो, सर्व करो कबाब। अंबर ये देखो ट्रे, प्राइस भी अच्छे हैं यार, जबरदस्त, बहुत अच्छी। ओहो यहाँ पे ना हर चीज की लग रही है 400 पैसा। ये ट्रे देखो जरा, बेकिंग की चीजें हैं, बेकिंग आइटम आपको जो मिलेंगे। ये डोनट्स बनाने के लिए ना, नो रियाना डोंट टच। पांच सौ सात बदल
ये ट्रे कितनी अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है चटाई है। चटाई तो है, चटाई थोड़ी है, प्लास्टिक भी नहीं है, स्टील है। प्लास्टिक है ना ये। कितनी अच्छी क्रॉकरी है यार, जबरदस्त। ये ट्रे देखो तुम, पता ही यहाँ पे क्यों आई है इस तरह से बड़ी बड़ी। ये लोग मंदी मंदी राइस खाते हैं ना, तो बस एक ही थाल होता है इनके लिए। तो प्राइस भी बहुत अच्छे रहते हैं। लियाना लियाना समझती है मैं किसी उसमें आ गई हूँ, प्लेलैंड में। ये सारे ने खूबसूरत लग रही है ना ये कलर पेंसिल्स। सारे स्टेशनरी है और वो है तो ये तो सारे स्टेशनरी का सेक्शन है ना ये। यार ये बड़े प्यारे लगते हैं मुझे ये ना डेकोरेशन के लिए। कितनी अच्छी वैरायटी है यहाँ पे, जबरदस्त, बहुत ही अच्छा। बट प्राइसेस सारे सबके बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है यहाँ पे ना ये वाले इस डेकोरेशन पीसेस के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये सारी चीज़ें बच्चों की एक्टिविटी के लिए ना, सारी चीज़ें यहाँ पे जो आर्ट के लिए बच्चों के लिए यूज़ होती हैं, ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा। ये थर्मापॉल के फ्रेम बने हुए हैं, ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना ये थर्मापॉल के फ्रेम। थर्मापॉल है ये इसके फ्रेम बने हुए हैं। सारा आर्ट का है बच्चों का ना ये सारा चीजें यहाँ पे बच्चों की। ये सारी थर्मापॉल की नहीं है, ये एक्टिविटी होती है ना बच्चों की स्कूल्स में, तो उसमें यूज होती है सारी इस किस्म की चीजें। ये ब्लॉक्स बने हुए हैं, सब बच्चों के रखे हैं एक्टिविटी के लिए, स्कूलिंग के, सारा स्टेशनरी के लिए वर्क है, स्टेशनरी वर्क रखा हुआ है यहाँ पे सारा। लियाना ने इस कदर की बर्बाद की है सारी बॉटल्स तोड़ तोड़ के, सीरियसली लिखा लिखा हुआ था। हाँ 750 पैसा, जबरदस्त यार, वाओ अच्छा भी है ये, पीने का भी इसका अच्छा है उसके हिसाब से। तहसील के साथ भी है सारे यहाँ पे रखे हुए। ऊपर कहाँ से जाएंगे हम, ये तो सारे डेकोरेशन पीसेस रखे हुए, कितने एंटीक्स है ना सारे के सारे, सारे एंटीक्स लग रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल, सब एक से बढ़कर एक है। बट इनकी प्राइजेस भी अच्छी खासी है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है सारा जो है डेकोरेशन से रिलेटेड है। ये सब चीजें जो है ना कितनी खूबसूरत लग रहा है ना देखने में ही। बेसमेंट में जाना है अब हम लोग को, ये अच्छी लग रही है जबरदस्त, वाओ। हाँ पर्स भी अच्छे ना यहाँ पे, पर्स भी अच्छे रखे हुए, प्राइस भी इसकी अच्छी है। हाँ सही है, इतने ही मिलते हैं वैसे ना, जबरदस्त लग रहा है। अंबर ये देखो ये कितने अच्छे लग रहे हैं ना पॉम्स, हाँ ये मेरे जैसे, हाँ जबरदस्त यार, इसकी हीरा अच्छी लग रही है। आप भी फर्स्ट टाइम आई ना? हाँ मैं भी फर्स्ट टाइम आई, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था इसका। ये भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, ब्लैक ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं यार, ये बहुत अच्छे हैं। हाँ पॉम्स की तो सारी वैरायटी बहुत अच्छी है, ये वाले तो मेरे पास हैं।
ये वाले हैं मम्मी, ये देखो ये भी कितने प्यारे लग रहे हैं ये वाले, और ये पिंक, हाँ ये रेड, और इसका एक कलर नीचे ही गोल्डन है। ये तो सारे फ्लैट्स हैं, ये फ्लैट्स इतने वो नहीं आते पहनने में ना अभी, हाँ अच्छी लगती है, बट ये कि शलवार कमीज में पहनो वो ज्यादा अच्छा लगता है ना, हमारे यहाँ पे अभी पहनना इतना होता नहीं है ऐसे ना। डोंट टच ले आना, डोंट टच। ओ हम समय देखो ये हमने जो लिए थे मॉल वॉट से वो भी अच्छे मिले हमें, यहाँ पे भी अच्छे वहाँ से भी अच्छे मिले, इधर बच्चों के भी अच्छे रखे हुए। लियाना वेयर आर यू, वाओ ये बहुत प्यारे लग रही है फ्रॉक, ये भी बहुत अच्छी है यार, फ्रॉक्स बहुत अच्छी है ना। इसको मैं कब से ढूंढ रही थी पता है इसको मैं, हाँ आ रही है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे सारी फ्रॉक्स, यहाँ जी बहुत 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 अच्छी वैरायटी थी फ्रॉक्स की ना, यहाँ पे बहुत अच्छी थी, इतनी वैरायटी थी और सभी बहुत अच्छी थी, मींस कि इसकी स्टिचिंग बहुत अच्छी थी, फैब्रिक अच्छा था, आपको हर किस्म की यहाँ पे जो है मैक्सी मिल जाएगी, फ्रॉक मिल जाएगी, अपर मिल जाएगा, हर चीज़ यहाँ पे जो है, स्पेशली मुझे जो है फ्रॉक की ज़्यादा अच्छी कलेक्शन लगी यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त। मामा का बेटा, हाँ वेयर इज बाबा, वेयर इज बाबा, हाँ वेयर इज बाबा, वेयर इज बाबा, कहाँ गए बाबा, हाँ वेयर इज बाबा, हाँ मेरी बेटी शॉपिंग कर रही है, हाँ यू लाइक दिस, यू लाइक दिस, नो इट्स नॉट गुड, दिस इज स्विमिंग सूट, ये सारे स्विमिंग सूट हैं इधर, यस वेयर इज बाबा, कहाँ है, कहाँ है बाबा, क्यूट है, बहुत प्यारे लग रहे हैं सारे टॉप। एक लुक ही चेंज हो जाता है ना ये अपर पहन के, लेंगे इंशाल्लाह ये वाला ना, ऐसा ये वाला है ना लुक बनाएंगे, यही वाला लेंगे ऐसा, इसमें और अच्छे नीचे डिजाइनिंग हम देख कर आए ना लेंगे इंशाल्लाह। अरे 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 क्या हो गया ये, अरे क्या हो गया ये, सीन क्या हुआ ये है लियाना। बस ये ओमान गिफ्ट सेंटर से हम लोग फ्री होके और अब घर की तरफ जा रहे थे, और बहुत अच्छा यहाँ पे जो था मुझे हर चीज़ लगी, कुछ चीज़ें थी बहुत कॉस्टली थी, स्पेशली जो था यहाँ पे डेकोरेशन के जो पीसेस थे, डेकोरेशन का जितना भी सामान था वो थोड़ा कॉस्टली था, अदरवाइज़ बाकी सब जो चीज़ें थी बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइस में थी और अच्छा था, हर वैरायटी भी अच्छी थी। इसको शायद एक दो या डेढ़ साल हुआ है ओपन हुए,
और नया भी है तो इसलिए भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें, वैरायटी अभी तो बहुत ही अच्छी थी। बस है ना, मैंने अपने लिए लिया है एक मैक्सी लिए, मैं आपको और ले आने के लिए भी एक लिया है ड्रेस, तो बस मैं आपको किसी दूसरे जो है ब्लॉग में दिखाऊंगी। और आज मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी मैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।